दोस्तों आज की वीडियो से हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई कैटेगरी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईडोर। आईडोर यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो से हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की आईडोर कैटेगरी की तीन वीडियोस को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की आईडोर कैटेगरी की फर्स्ट वल्नरेबिलिटी जो कि है चेंज सीक्रेट, उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो आपके लिए लाते रहें और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आईडोर कैटेगरी की फर्स्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी वेब एप्लीकेशन ओपन कर ली है और उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना जो वेब सर्वर है वो भी स्टार्ट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को, आज की वल्नरेबिलिटी को सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बी और बग से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं लॉगिन हो गया और आज की वल्नरेबिलिटी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो कि है आईडोर। आईडोर का मैं आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बता दूँ। आईडोर का फुल फॉर्म होता है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अब ये इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ क्या होता है कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आईडोर की फर्स्ट वल्नरेबिलिटी जो कि है चेंज सीक्रेट, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हैक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस की चेंज सीक्रेट वाली वल्नरेबिलिटी के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिख रहा है चेंज योर सीक्रेट, यहाँ पे कुछ सीक्रेट डालना है और चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बी यूजर से लॉगिन हो चुके हैं। तो एक बात आप सबसे पहले याद रखिए कि आईडोर वल्नरेबिलिटी कभी भी आप अगर ढूंढ रहे हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, आईडोर को कहीं भी आप ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा दो यूजर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको उस वेब एप्लीकेशन पे दो यूजर्स अपने क्रिएट करने पड़ेंगे और उन दो यूजर का इस्तेमाल करके ही आप इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नेसेसिटी है, एक मान लीजिए मैंडेटरी थिंग है इस आईडोर वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, वरना आप फाइंड नहीं कर पाओगे अगर प्रॉपरली वहां पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप दो यूजर बना के उसे चेक नहीं करोगे। तो वो क्यों आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, देखते रहिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये वल्नरेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बी यूजर से लॉगिन हूँ। यहाँ पे मैंने एक और यूजर बना के रखा है जिसका नाम है देवांग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ पहले सीनारियो का है क्या है। तो सीनारियो यहाँ पे ये है कि यूजर वन है वो है बी, और सॉरी एक ई ज्यादा हो गया, और यूजर टू है वो है देवांग। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आईडोर का पेज है वहां पे क्या हो रहा है कि हमें एक सीक्रेट एंटर करना है और चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां पे हम सीक्रेट रखेंगे, मान लीजिए यहां पे सीक्रेट रखते हैं, कोई वर्ड सीक्रेट ही वर्ड डाल देते हैं। ठीक है, सीक्रेट वर्ड डाल देते हैं और उस सीक्रेट वर्ड को मैं इसे कट कर लेता हूं और यहां पे नीचे ला देता हूं। ये देखिए, ये हम सीक्रेट वर्ड कर देते हैं, सीक्रेट वर्ड को हम सीक्रेट बनाएंगे। ठीक है, तो इस वर्ड इसे हम यहां पे एंटर करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको इस एप्लीकेशन का डेटाबेस दिखा देता हूं, क्योंकि वहां पे डेटाबेस में यहां पे ये जो हमारा सीक्रेट है वो स्टोर हो चुका है। ये जहां पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो सीक्रेट हमने एंटर किया होगा वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस भी ओपन कर लिया है। डेटाबेस में देखिए, यहाँ पे जो बी नाम का यूजर है
लॉगिन आईडी बी दिख रहा है ना, वहां पे उसका सीक्रेट, ये देखिए सीक्रेट का कॉलम है, सीक्रेट है उसका देव, और ये जो देवांग नाम का कॉलम है, सॉरी देवांग नाम का जो यूजर है उसका सीक्रेट है देवांग, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं कि यहां पे बी यूजर के अंदर एक सीक्रेट डालेंगे, जो कि हम डालेंगे सीक्रेट वर्ड करके, ठीक है। और फिर हम इस यूजर की रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करके उस यूजर की रिक्वेस्ट, ये जो सीक्रेट वर्ड हम जहां पे चेंज करेंगे उसको देवांग के अंदर डायरेक्टली चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं एक नया सीक्रेट डाल देता हूं, यहां पे मान लीजिए सीक्रेट में डालता हूं बी बग करके, सीक्रेट डालता हूं बी बग, ये मैं सीक्रेट एंटर करता हूं और चेंज सीक्रेट पे क्लिक करता हूं। ये देखिए यहां पे मैसेज आ गया है द सीक्रेट हैज बीन चेंज। और हम अब एप्लीकेशन में जाके देखते हैं, डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारा डेटाबेस के अंदर चेक हुआ, चेंज हुआ है कि नहीं। तो यूजर नाम के अंदर ये देखिए यहां पे बी यूजर के सामने हमारा सीक्रेट चेंज हो चुका है, जो कि बी बग हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम बर्प शूट ओपन कर लेते हैं, बर्प शूट ओपन कर लेते हैं, और इस आइडोर यानी कि इस बी यूजर की जो आइडोर का पेज है उसकी रिक्वेस्ट को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे बर्प शूट को पहले हम चालू होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं। तो ये देखिए दोस्तों यहां पे हमारा बर्प शूट ओपन हो चुका है, चलिए स्टार्ट बर्प पे क्लिक करते हैं। तो यहां पे हमें बेसिकली करना क्या है कि इस बी यूजर का जो रिक्वेस्ट है उसे हमें कैप्चर करना है, उसमें हम चेंज सीक्रेट में सीक्रेट डालेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करके हम यहां पे बी यूजर के जगह इस चेंज को यानी कि इस सीक्रेट जो हम यहां पे एंटर करेंगे उसे देवांग यूजर के अंदर रिफ्लेक्ट करवाने का ट्राई करेंगे। यानी कि हम यहां पे तो डाल रहे हैं बी यूजर के अंदर, बट हमें वहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, चेंज एक्चुअली में होना चाहिए पीछे देवांग यूजर के सीक्रेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से वही एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे बी बग से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पे बी बग से फिर से, और यहाँ पे चेंज सीक्रेट भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीक्रेट वर्ड करके ये डालूंगा, सीक्रेट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले से हमारा जो बी नाम के यूजर का जो सीक्रेट है वो है बी बग, ठीक है। तो उससे हम चेंज करने जाएंगे और सीक्रेट कर देंगे सीक्रेट वर्ड, ठीक है। तो सीक्रेट वर्ड को करने से पहले हम इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक करते देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली हमें मिल चुकी है, हमने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए सीक्रेट में जा रहा है सीक्रेट वर्ड, उसके बाद लॉगिन में है बी और एक्शन में है चेंज। तो यहाँ पे बी की जगह हम क्या कर देंगे, यूजर नेम चेंज कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास दूसरे यूजर का यूजर नेम है तो हम यूजर नेम चेंज कर देंगे, यूजर नेम हमने बी से चेंज करके कर दिया है देवांग, ठीक है। और अब इस रिक्वेस्ट को हम सर्वर पे डालेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में बी यूजर में चेंज होता है या देवांग यूजर में चेंज होता है। अगर देवांग यूजर के सीक्रेट में चेंज होगा तो ये एक आइडोर वल्नरेबिलिटी मानी जाएगी, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है एक्चुअली, ये देखिए ये जो सीक्रेट है उसे हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है रेफरेंस करने के लिए इस सीक्रेट को, ये जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसे डायरेक्ट रेफरेंस किसका मिल रहा है, लॉगिन नाम के ऑब्जेक्ट का। यानी कि लॉगिन नाम के ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा है, तो सीधा सीक्रेट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लॉगिन नाम का ऑब्जेक्ट है वो इनसिक्योर है, इसकी वजह से यहाँ पे जो उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि ये जो सीक्रेट वर्ड इस लॉगिन को, लॉगिन ऑब्जेक्ट को रेफरेंस रेफर कर रहा है, और उस रेफर करने की वजह से अगर लॉगिन ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज होता है तो उसका असर सीधा ये सीक्रेट वर्ड पे पड़ता है, यानी कि ये सीक्रेट नाम का जो डेटा है उस पे पड़ता है,
उसकी वजह से उसे इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने देवांग किया है, बट एक्चुअल में अगर बैकएंड में ये डेटा देवांग नाम के यूजर में जाके स्टोर यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे हम इनसिक्योर नहीं करेंगे, या यानी कि यहाँ पे आइडोर नहीं होगी। और अगर यहाँ पे ये देखिए हमने देवांग किया है और अगर बैकएंड में चेंज होता है, तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे आइडोर वल्नरेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, तो चलिए हमने चेंज कर दिया है, अब इसे हम इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे और सीधा जाने देंगे सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें मैसेज मिल चुका है कि सीक्रेट हैज़ बीन चेंज। चलिए अब डेटाबेस में जाके देखते हैं कि ये एक्चुअल में चेंज हुआ है या नहीं। बी वेब पे जाते हैं, वापस यूज़र पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे देवांग नाम के लॉगिन में सीक्रेट वर्ड करके जो है सीक्रेट आ चुका है, यानी कि यहाँ पे हमने सक्सेसफुली आईडोर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली है। हमने यहाँ पे किया क्या कि दूसरे यूजर के अंदर ये चेंज किया, यूजर का लॉगिन था बी नाम के, ठीक है, उसमें चेंज किया, लेकिन उसको चेंज करने से पहले हमने दूसरे यूजर का नाम डाल दिया, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, जहाँ पे एक्चुअल में हमने जिस यूजर का नाम मैनिपुलेट किया वहां पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये जो लॉगिन नाम का ऑब्जेक्ट है वो इनसिक्योर है, उसकी वजह से यहाँ पे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली रेफर होके डेटाबेस में चेंज हो जा रहा है। यानी कि मान लीजिए एक सीनारियो मानिए कि दो यूजर है, यूजर एक और यूजर दो, ठीक है, आपको किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी करने जा रहे हैं, आपने यूजर बनाए यूजर एक और यूजर दो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर एक में जाके उसका पासवर्ड चेंज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि यूजर एक का पासवर्ड चेंज करते वक्त आप उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, पासवर्ड चेंज की जो आपकी रिक्वेस्ट होगी जो आप फाइनली सबमिट करेंगे, उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, और वहां पे जो यूजर एक के लिए जो एक रेफरेंस दिया होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया था लॉगिन नाम का जो ऑब्जेक्ट दिया था हमें, ठीक है, लॉगिन नाम का ऑब्जेक्ट दिया था, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज कर देंगे और उसकी जगह पे यूजर दो का आप कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस डाल देंगे, ठीक है, मान लीजिए यूजर एक का लॉगिन रेफरेंस है U1 और आपके यूजर दो का लॉगिन रेफरेंस है U2, तो आप रिक्वेस्ट को कैप्चर करके U1 की जगह अगर U2 कर देते हैं, और मान लीजिए आपके U2 यूजर का भी, हालांकि आप चेंज करने जा रहे हैं U1 यूजर का पासवर्ड, लेकिन अगर आप उसे रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं और वहां पे U2 यूजर एंटर कर देते हैं, और एक्चुअल में आपके U2 यूजर का अगर पासवर्ड चेंज हो जाता है, तो उसे इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं हम वहां पे। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझने में शायद डिफिकल्ट लगे कि ये कैसी वल्नरेबिलिटी है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, मान लीजिए यूजर वन है और यूजर टू है, आपको यूजर वन के किसी चीज को चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए आप उसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करके वहां पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या मान लीजिए यूजर आईडी दिया गया है या कुछ भी दिया गया है, उसको चेंज करके आप दूसरे यूजर के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, और दूसरे यूजर में अगर वो रिफ्लेक्शन हो जाता है तो उसे वहां पे कहते हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान वल्नरेबिलिटी है, आपको सिर्फ दो यूजर बनाने हैं और उनसे एक से लॉग इन करके दूसरे यूजर में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो सिर्फ आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप अगर रियल वर्ल्ड में ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दो यूजर बनाने पड़ेंगे अलग अलग, और एक यूजर में जाके एक यूजर से लॉग इन करके उसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करके दूसरे यूजर के यूजर आईडी मैनिपुलेशन करके आपको चेक करना है कि दूसरे यूजर में वो चीजें एक्चुअल में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको आइडोर वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, और ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में भी बहुत ही आसान है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जनरली ये वल्नरेबिलिटीज ईमेल चेंज मान लीजिए, यूजर नेम चेंज मान लीजिए, पासवर्ड चेंज मान लीजिए, ऐसी जगहों पे ये वल्नरेबिलिटीज ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है,
तो आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हैं किसी भी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। वल्नरेबिलिटी जो बग बाउंटी प्रोग्राम चला रहे हैं वेबसाइट्स, उनके अंदर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको आज जो कुछ भी सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आईडोर की एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कैटेगरी जो कि आईडोर है, इसकी फर्स्ट वल्नरेबिलिटी चेन सीक्रेट, जिसमें मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इससे प्रैक्टिकली सब कुछ सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है, या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड भी कोई सवाल कमेंट या फिर सजेशन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई देने का, उसका आपका सजेशन मानने का पूरा ट्राई करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।